प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम रोशन है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी के मशहूर कथाकार श्री जयशंकर प्रसाद जी की कहानी संग्रह आकाशदीप से एक बहुत ही लोकप्रिय कहानी जिसका शीर्षक है भिखारिन। तो आइए शुरू करते हैं कहानी का पाठ। जानवी अपने बालू के कंबल में ठिठुरकर सो रही थी। शीत कुहासा बनकर प्रत्यक्ष हो रहा था। दो चार लाल धाराएं प्राची के क्षितिज में बहना चाहती थी। धार्मिक लोग स्नान करने के लिए आने लगे थे। निर्मल की माँ स्नान कर रही थी और वह पंडे के पास बैठा हुआ बड़े कुतूहल से धर्म भीरु लोगों की स्नान क्रिया देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी माँ स्नान करके ऊपर आई। अपनी चादर ओढ़ते हुए स्नेह से उसने निर्मल से पूछा, क्या तू स्नान न करेगा? निर्मल ने कहा, नहीं माँ, मैं तो धूप निकलने पर घर पर ही स्नान करूंगा। पंडा जी ने हंसते हुए कहा, माता, अब के लड़के पुण्य धर्म क्या जाने, यह सब तो जब तक आप लोग हैं तभी तक है। निर्मल का मुंह लाल हो गया, फिर भी वह चुप रहा। उसकी माँ संकल्प लेकर कुछ दान करने लगी। सहसा जैसे उजाला हो गया। एक धवल दांतों की श्रेणी अपना भोलापन बिखेर गई। कुछ हमको दे दो रानी माँ। निर्मल ने देखा एक 14 बरस की भिखारिन भीख मांग रही थी। पंडा जी झल्लाए, बीच ही में संकल्प अधूरा छोड़कर बोल उठे, चल हट। निर्मल ने कहा, माँ कुछ इसे भी दे दो। माता ने उधर देखा भी नहीं, परंतु निर्मल ने उस जीर्ण मलिन वसन में एक दरिद्र हृदय की हंसी को रोते हुए देखा। उस बालिका की आंखों में एक अधूरी कहानी थी, रूखी लटों में सादी उलझन थी और बरौनियों के अग्रभाग में संकल्प के जल बिंदु लटक रहे थे। करुणा का दान जैसे होने ही वाला था। धर्मपरायण निर्मल की माँ स्नान करके निर्मल के साथ चली। भिखारिन को अभी आशा थी, वह भी उन लोगों के साथ चली। निर्मल एक भावुक युवक था। उसने पूछा, तुम भीख क्यों मांगती हो? भिखारिन की पोटली के चावल फटे कपड़े के छिद्र से गिर रहे थे। उन्हें संभालते हुए उसने कहा, बाबूजी पेट के लिए। निर्मल ने कहा, नौकरी क्यों नहीं करती? माँ इसे अपने यहाँ क्यों नहीं रख लेती? धनिया तो प्रायः आती भी नहीं। माता ने गंभीरता से कहा, रख लो, कौन जाती है, कैसी है, जाना न सुना, बस रख लो। निर्मल ने कहा, माँ दरिद्रों की तो एक ही जाति होती है। माँ झल्ला उठी और भिखारिन लौट चली। निर्मल ने देखा जैसे उमरी हुई मेघमाला बिना बर से लौट आई। उसका जी कचोट उठा। व्यवस्था माता के साथ चला। सुनेरी निर्धन के धनराम सुनेरी। भैरवी के स्वर पवन में आंदोलन कर रहे थे। धूप गंगा के वक्ष पर उजली होकर नाच रही थी। भिखारिन पत्थर की सीढ़ियों पर सूर्य की ओर मुंह किए गुनगुना रही थी। निर्मल आज अपनी भाभी के संग स्नान करने के लिए आया है। गोद में अपने 4 वर्ष के भतीजे को लिए वह भी सीढ़ियों से उतरा। भाभी ने पूछा, निर्मल आज क्या तुम भी पुण्य संचय करोगे? क्यों भाभी, जब तुम इस छोटे से बच्चे को इस सर्दी में नहला देना धर्म समझती हो तो मैं ही क्यों वंचित रह जाऊं? सहसा निर्मल चौंक उठा। उसने देखा बगल में वही भिखारिन बैठी गुनगुना रही है। निर्मल को देखते ही उसने कहा, बाबूजी तुम्हारा बच्चा फूले फले, बहू का सहयोग बना रहे, आज तो मुझे कुछ मिले। निर्मल अप्रतिभ हो गया। उसकी भाभी हंसती हुई बोली, दुर्पगली। भिखारिन समझ गई। उसके दांतों का भोलापन गंभीरता के पर्दे में छिप गया। वह चुप हो गई। निर्मल ने स्नान किया। सब ऊपर चलने के लिए प्रस्तुत थे। सहसा बादल हट गए। उन्हीं अमल धवल दांतों की श्रेणी ने फिर याचना की, बाबूजी कुछ मिलेगा? अरे अभी बाबूजी का ब्याह नहीं हुआ, जब होगा तब तुझे न्योता देकर बुलाएंगे, तब तक संतोष करके बैठी रह। भाभी ने हंसकर कहा, तुम लोग बड़े निष्ठुर हो भाभी। उस दिन माँ से कहा कि इसे नौकर रख लो तो वह इसकी जाति पूछने लगी और आज तुम भी हंसी कर रही हो। निर्मल की बात काटते हुए भिखारिन ने कहा,
बहू जी, तुम्हें देखकर तो मैं यही जानती हूं कि ब्याह हो गया है। मुझे कुछ न देने के लिए बहाना कर रही हो? मर पगली, बड़ी ढीठ है, भाभी ने कहा। भाभी, उस पर क्रोध न करो, वह क्या जाने, उसकी दृष्टि में सब अमीर और सुखी लोग विवाहित हैं। जाने दो, घर चले। अच्छा चलो, आज माँ से कहकर इसे तुम्हारे लिए टहलनी रखवा दूंगी, कहकर भाभी हंस पड़ी। युवक हृदय उत्तेजित हो उठा, बोला, यह क्या भाभी, मैं तो इससे ब्याह करने के लिए भी प्रस्तुत हो जाऊंगा, तुम व्यंग क्यों कर रही हो? भाभी अब प्रतिभ हो गई, परंतु भिखारिन अपने स्वाभाविक भोलेपन से बोली, दो दिन मांगने पर भी तो तुम लोगों से एक पैसा देते नहीं बना, फिर क्यों गाली देते हो बाबू? ब्याह करके निभाना तो बड़ी दूर की बात है। भिखारिन भारी मुंह किए लौट चली। बालक रामू अपनी चालाकी में लगा था। माँ की जेब से छोटी दुअन्नी अपनी छोटी उंगलियों से निकाल ली और भिखारिन की ओर फेंक कर बोला, लेती जाओ ओ भिखारिन। निर्मल और भाभी को रामू की इस दया पर कुछ प्रसन्नता हुई, पर वे प्रकट न कर सके, क्योंकि भिखारिन ऊपर की सीढ़ियों पर चढ़ती हुई गुनगुनाती चली जा रही थी, सुनेरी निर्धन के धनराम सुनेरी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ढेरों कहानियाँ सुनने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।